समाये बहार दिल विदा जानिसा के पार्षद अशोक वर्मा कैंट बोर्ड की ओर से और पूरे शहरवासियों की ओर से गणतंत्र दिवस की सभी को अधिक शुभकामना और यही आशा रखता हूँ वार्ड क्रमांक 7 के लोग ऐसा मुझे आशीर्वाद देते रहेंगे। वार्ड क्रमांक 7 का विकास वैसे ही करूँगा। जय हिंद, जय भारत। आपको शुभकामना इस बात की देता हूँ कि जहाँ हमारे पड़ोसी देश छिन्नभिन्न हो गए, हमारे यहाँ गणतंत्र आज भी मजबूती से कायम है और सारी दुनिया में सब में बड़ा गणतंत्र अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान है। सबसे पहले तो मेरे आप सबको शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की सेंट अबकर की स्कूल की ओर से। और मैं एक शेर कहना चाहती हूँ, झरने पहाड़ वादियाँ सब हैं दिल फरेब, बेहतर है हिंद मेरा सारे जहान से, हमको बहश लगती है मातरे वतन, मर के भी हम न जाएंगे हिंदुस्तान से। बच्चों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं रोटरी क्लब ऑफ महू डायमंड एवं सिंधिया फैंस क्लब महू की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि भाईचारे से रहें और गणतंत्र दिवस को सभी मिलजुल के मनाएं। संसद अमादल की ओर से सभी नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मैं गुलाब राजोरा अजा मोर्चा जिला अध्यक्ष सभी शहरवासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामना। श्री एकेडमी परिवार की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कहा गया है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, इस जन्मभूमि के लिए हम सभी ने जो जन्म लिया है इसका कर्ज हम सब लोग चुकाएं। पार्षद वार्ड नंबर 5 छावनी परिषद महू, महू के सभी नागरिकों को, मेरे वार्ड के निवासियों को, प्रदेशवासियों को और पूरे देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद देता हूँ। नगरवासियों एवं सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को यंग ब्रदर्स परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अमजद समोदिया अपनी ओर से, परिवार की ओर से, युवक कांग्रेस की ओर से गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा देश दिन प्रतिदिन निरंतर प्रगति करता रहे और दुनिया में सर्वोच्च सिरमौर बनकर इस दुनिया का प्रतिनिधित्व करता रहे। भारत माता की जय। मैं दीपक सिंह चौहान गोवर्धन रेस्टोरेंट और परिवार की ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं सभी नगरवासियों को। विश्व के सबसे बड़े गौरव ग्रंथ जिसको हम भारत का संविधान कहते हैं, उस संविधान को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस गणतंत्र के महानायक भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, इनकी जन्मभूमि पर हम लोग वास करते हैं। उनकी जन्मभूमि पर यहाँ होने के कारण हम गौरव महसूस करते हैं कि इस पूरे भारत के सबसे बड़े गौरव ग्रंथ को लिखने वाले डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे और उन्हीं की बदौलत आज ये देश एकता, अखंडता और प्रगति की ओर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को देश का गणतंत्र दिवस का हमारा संविधान लागू हुआ। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली
महू में बाबा साहब का जन्म हुआ, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और जिन्होंने इस संविधान को लागू किया और ये संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था। हमारा सौभाग्य है, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसा संविधान बाबा साहब ने दिया जो विश्व में कीर्तिमान है।